हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 31 मार्च। थोड़ा दर्शन करके ज्वाला जी के और यहाँ से निकलेंगे। आज का हमारा प्लान है वैष्णो देवी जाने का। पहले दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद में निकलते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं आज का ब्लॉग। यू कैन सी यहाँ पर ज्वाला जी का मंदिर है। रात तो मैं दिखा नहीं पाया था, शाम के टाइम में दोपहर आए थे तो दोपहर ज़्यादा धूप हो रही थी, बट अभी अच्छे से दिख रहा है। मेन मंदिर वो है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर है ज्वाला जी, यहाँ पर इस वाले मंदिर में 5 ज्योत है। 5 जगह से निकल लिए हैं। बाकी मंदिर में अलाउड नहीं है फ़ोन, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता। अभी हम लोग मंदिर में हैं और यू कैन सी कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जो ज्वाला माई के दर्शन है वो 8:30 बजे होंगे। हम पहले ही आ गए हैं और लाइन भी पहले ही लग चुकी है। तो दर्शन काफ़ी देर बाद होंगे, इसलिए हम भी लगते हैं लाइन। और ये देखो कि दरवाजे से ही इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो पहले लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं, तब चलते हैं वैष्णो देवी। मंदिर में तो फ़ोटो खींचने नहीं देते, तो यहाँ से देख लो LCD में से ज्वाला माई के दर्शन। और अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है पीछे तक। तो वेट तो करना पड़ेगा दर्शन करने हैं तो। गाइस, अभी हम जाने के लिए तैयार हैं यहाँ से भी ज्वाला जी से। एंड अभी हमारा जो प्लान है वैष्णो देवी जाने का वैसे तो, बट रास्ते में चिंतपूर्णी है। चिंतपूर्णी से होते हुए जब जाएंगे वैष्णो देवी, तो फिलहाल अभी चलते हैं। तो 11:15 बज गए हैं, अभी देखते हैं कितने टाइम तक हम पहुंचते हैं। यहाँ से 32 किलोमीटर दिखा रहा है वैसे तो चिंतपूर्णी। सो चलते हैं। सो हे गाइस, अभी पहुँचे हैं हम चिंतपूर्णी। तो अभी यहाँ पर दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं सीधा वैष्णो देवी। यहाँ से ऐसे जाना है यहाँ पर माता का मंदिर। अभी बस पानी पीने के लिए रुके थे। ये है चिंतपूर्णी माता के मंदिर की एक छोटी सी झलक अंदर से। और ये है चिंतपूर्णी माता के मंदिर पर आने जाने वाले रास्ते पर लगी हुई मार्केट, जो कि काफ़ी प्यारी है। ऐसी है जैसे कि नगरकोट में थी। यहाँ पे तो दर्शन हो गए, अब यहाँ से भी चलते हैं और सीधा चलते हैं वैष्णो देवी। हमारी लास्ट डेस्टिनेशन रह गई है वैष्णो देवी। अभी सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो गाइज, अभी हमने ब्रेक लिया है वैष्णो देवी जाते हुए और यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी और खड़ी है, तो वो भी यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं। ये भैया हमको मिले हमारी बातचीत हुई यहाँ पर और हमने इनको बताया कि हम टैटू आर्टिस्ट हैं, जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है उसके बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो भाई, और बाकी हेलो सीन चेक करो, ये देखो सर हम तो भैया अपना घर दिखा रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है घर इनका। यहाँ पे खेती किसकी होती है वैसे? मतलब खेती तो ऐसी है, पर पहले करते थे बुजुर्ग, पेड़ पौधे ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बस। गेहूँ वगैरह की खेती होती है, पर नीचे चेक करते लोग, पर यहाँ पे जो करने वाला करते हैं। अच्छा, चलो ठीक है भाई। अभी चलते हैं, ब्रेक टाइम ओवर हो गया। फाइनली वैष्णो देवी पहुंच चुके हैं और सामने, ठीक सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वैष्णो देवी की चढ़ाई है। और मैं तो ये ऐप में हूँ देखकर इसको कि ये यात्रा कंप्लीट कैसे होगी। रात के 11:24 हो रहे हैं और अभी आके लगे हैं। सामने दरबार दिख रहा है, चढ़ाई भी दिख रही है साइड में। अभी पर्ची नहीं मिली, मगर सुबह को पर्ची मिलेगी, उसके बाद में चढ़ाई स्टार्ट होगी।
और यहाँ पर जितनी भी है पार्किंग है यहाँ पर हमारी वो खड़ी है गाड़ी, ये रही गाड़ी हमारी यहीं पे सारी चटाई वाली। मॉर्निंग में उठते के साथ में ही हमारी यात्रा जो है वैष्णो देवी वाली वो शुरू हो चुकी है और बस हम पर्ची कटा के निकल पड़े हैं। अभी 6:52 का टाइम हो रहा है, कोई भी नहाया नहीं धोया है, बस देखते हैं, बस यात्रा कंप्लीट करनी है भवन की, तो अभी तो चले जा रहे हैं हम। यहाँ पे सफाई का सबसे विशेष ध्यान रखा जा रहा है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिल रही हमको, ये अच्छी बात लगी मुझे। रास्ता देखो घूमता 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 घूमता। थोड़ा ऊपर पहुंचते के साथ ही सीन चेक करो गाइस, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मेरा वीडियो बना रहे तेरी रोते हुए की हमर रोते की वीडियो बनाओ आ रहे कुछ नहीं लगाओ ये इसको लगा दे पी एफ पी भाई पी बोतल पी भाई पी लगाओ अब पी बेगा हमारा एक सिर्फ ऊपर चढ़े जा रहे हैं, सुबह से हम ऊपर चढ़े जा रहे हैं और ये देखो कि हम मंदिर के कितने क्लोज आ गए और यहाँ से सीन चेक करो गाइस, यहाँ से आए हैं हम, बिलीव नहीं होता यहाँ से आए हम, कितनी ऊपर आ गए यार। हे गाइस, अभी हमने अर्धकुंवारी तक का रास्ता कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर यहाँ का नज़ारा एकदम अमेजिंग है और सामने जो दिख रहा है ये अर्धकुंवारी का भवन है जहाँ पर गर्भजून गुफा भी है, जहाँ पर माता रानी ने स्टे किया था जब उनका पीछा कर रहा था ना भैरवनाथ, तब यहाँ पर रुकी थी इस गुफा में वो। और यहाँ का सीन चेक करो गाइस, ये अलग ही है, अलग ही। तो गाइस जो लोग पहली बार जाते हैं माता वैष्णो, उनको पता नहीं रहता कि कौन सा रास्ता चुने, अर्धकुंवारी से दो रास्ते कट रहे हैं जो कि एक प्लेन है और एक बिल्कुल खड़ा रास्ता है, तो हमने प्लेन वाला रास्ता पकड़ा है जो कि थोड़ा लंबा तो पड़ेगा बट थकाएगा नहीं ज़्यादा और आसानी से चढ़ाई भी हो जाएगी। तो मेरा सजेशन तो यही कि प्लेन वाला रास्ता आप लें और अच्छे से यात्रा करें। लोग खड़े वाले रास्ते से भी जाते हैं लेकिन वो वाला रास्ता उतरने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ये वैष्णो देवी भवन जाने का रास्ता जो कि पूरा रात सजा हुआ है क्योंकि नवरात्र है ना कल से। तो 1 तारीख को तो हम गए थे दर्शन करने के लिए और 2 तारीख को नवरात्र हैं, इस वजह से काफ़ी सुंदर सजा रखा था, काफ़ी लाखों करोड़ों फूल लगे हुए थे, करोड़ों ही लगे हुए थे फूल तो, और सजावट भी 1 नंबर की कर रखी थी, मज़ा आ गया देख। शायद हम और किसी टाइम आते तो हमको ये सब नहीं मिलता देखने के लिए, बट नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये सजावट कर रखी है तो हमें काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं, मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, लॉकर में रखवा दिया जाता है, फ़ोन कैमरा जो भी है, चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं लेके जा सकते हम, तो सब कुछ लॉकर में रखवा दिया था। अब कर रहे हैं हम भैरवनाथ की चढ़ाई और वहां से दिखाते हैं आपको नज़ारे। सामने जो दिखाई दे रहा है वो है माता रानी का भवन, यहाँ से हम इतनी चढ़ाई करके आ चुके हैं भैरवनाथ के लिए, और ये जो है ट्रॉली ये भैरवनाथ की चढ़ाई के लिए लगाई हुई है, पता नहीं इनका चार्ज क्या है मेरे को तो, बट ये सुविधा कर रखी है जो भी है। कैसा लग रहा है भैया? भैया रायतों रायतों बनाया का एक जो इतना ज्यादा बनाना नहीं चाहिए ना। ऐसा अभी कर रहे हैं हम भैरव बाबा की कढ़ाई और यहाँ से रह गई है 262 सीढ़ी और भैरव बाबा की चढ़ाई जो है हम सीढ़ी से ही कर रहे हैं, और हालत ऐसी हो रही है न जाने कैसी हो रही है, कर ही रहे हैं बस, ब्लॉग भी बन ही रहा है बस, देखो क्या होता है एडिटिंग में, समय समय पर अपडेट दे ही रहे बस ही रहे बस। वैष्णो देवी पहले तो ये हमने करवा लिया था, भैरव बाबा के लिए कह दिया कि सब कुछ ले जा सकते हो, फ़ोन कैमरा वगैरह जो भी है सब कुछ ले जा सकते। तो गाइज फाइनली हमारी भैरव बाबा की चढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है। ये है भैरव बाबा मंदिर और यहाँ का नज़ारा एकदम अलग है क्योंकि ये पहाड़ की टॉप पर है, तो यहाँ से तो नज़ारा दिखेगा ही अलग, और यहाँ पर कुछ इतनी पब्लिक है जो कि फ़ोटो क्लिक करा रही है पहाड़ों के साथ में, और मंदिर देख लो, दर्शन कर लो, यात्रा कंप्लीट कर लो अपनी। अभी और घूमेगा ये? अच्छा हाँ। तो गाइज यहाँ की यात्रा कंप्लीट करके हम पहुँचे सीधे हरिद्वार, वहाँ पर गंगा स्नान किया और वहाँ पर वंशा देवी भी है ना, तो उनका दर्शन किया, तो हरिद्वार के दर्शन कर लो आप भी, इसे बोलते हैं हर की पैड़ी जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और यहाँ पर हमें कुछ टैटू आर्टिस्ट भी मिले। तो गाइस यहाँ पर हमने अपनी यात्रा कंप्लीट की और इसी के साथ में हम अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं, साथ में कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने क्लिक की वो आप देखो। So I hope you guys enjoy this vlog. If you enjoy this vlog, please like, share and subscribe to my channel for more videos. Main milta hu aapse next vlog mein. Thanks for watching this video. Bye bye. Stay tuned.